हेलो क्लास फाइव स्टूडेंट्स टुडे वी विल डू क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर एट अ डेज सो स्टूडेंट्स एंड लेट्स स्टार्ट इट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद कॉम्प्रिहशन ए पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद वन और टू वर्ड्स ईच आपको जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उसमें वन या टू वर्ड्स जो भी सुटेबल हों वो आपको इसमें फिल करना है तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं द डॉक्टर्स सेट देट स्कैच हैड तो आप इसमें इन्फ्लुएंजा जो कि उसको बीमारी थी या फिर द फ्लू आप इसमें दोनों फिल कर सकते हैं फ्लू उसको जो है और इन्फ्लुएंजा जो भी जो उसको बीमारी हुई थी डिसीज जो थी सेकेंड द नरेटर रीड टू स्कैट इन बेड तो पहले इसमें आप इन्फ्लुएंजा और द फ्लू फिल करेंगे और सेकेंड सेंटेंस में आप इस सिर्फ रीड फिल करेंगे सेंटेंस नंबर थर्ड है द नरेटर एंड स्पेस है वेंट फॉर अ वॉक तो किसके साथ नरेटर गए थे अपने डॉग के साथ तो नरेटर एंड हिज डॉग यहाँ पर आप हिज डॉग करेंगे नंबर फोर्थ इसकेट कंडीशन हैड नॉट चेंज्ड मच व्हेन द नरेटर कम बैक तो आप यहाँ पे नॉट चेंज भी कर सकते हैं और इम्प्रूव्ड uh, भी कर सकते हैं तो चेंज के साथ में आप इम्प्रूव भी कर सकते हैं मतलब स्केच कंडीशन हैड नॉट चेंज या इम्प्रूवड मच व्हेन द नरेटर कम बैक नंबर फाइव स्केच्ड स्पेस व्हेन द नरेटर एक्सप्लेन द थर्मोमीटर रीडिंग तो आप यहाँ पर रिलैक्स्ड या फिर नॉट रिलीव्ड ये दोनों वर्ड फिल कर सकते हैं तो स्केच रिलैक्सड व्हेन द नरेटर एक्सप्लेन द थर्मोमीटर रीडिंग आपका ए कॉम्प्रीहेंशन में ए पार्ट फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गया है अब हम बी सेक्शन जो कि है आंसर दिस क्वेश्चन जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है हाउ डिड स्केच लुक एंड फील इन द मॉर्निंग तो इसका आंसर हम लोग नोट डाउन करते हैं कॉपी में आंसर नंबर वन स्केच लुक इल ही वॉज शिवरिंग हिस्स फेस वॉज वाइट एंड ही वॉक स्लोली एज द इट एक्ट इट टू मूव ही हैड हाई फीवर एंड ही लुकड वेरी सिक एंड मिजरेबल स्केच्ड जो देखने में काफ़ी बीमार लग रहा था वो ही वॉ शिवरिंग वो काँप रहा था और उसका फेस बिल्कुल वाइट हो गया था और उसको चलने में भी वो बहुत धीमे धीमे चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उसको चलने में परेशानी हो रही है या दिक्कत हो रही है उसको फ़ीवर बहुत ज़्यादा तेज़ था बहुत तेज फीवर था और बहुत ज़्यादा बीमार और दुखी लग रहा था वो क्वेश्चन टू है वॉट डिड डॉक्टर प्रस्क्राइब फॉर स्केच फीवर डॉक्टर ने स्केच के फीवर के लिए क्या प्रिस्क्राइब किया था आंसर द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड थ्री डिफरेंट मेडिसिन इन डिफरेंट कलर्ड कैप्सूल्स फॉर स्केच फीवर डॉक्टर ने तीन डिफरेंट थ्री डिफरेंट मेडिसिन उसको प्रिस्क्राइब की थी जो कि डिफरेंट कलर्ड की कैप्सूल्स थे जो कि उन्होंने स्केच के फीवर के लिए स्केच को दिया था क्वेश्चन थ्री हाउ वॉज इट आउटसाइड वेन द नरेटर वेन फॉर अ वॉक उसमें बाहर का मौसम कैसा था बाहर कैसा लग रहा था जब नरेटर वॉक पर गए थे नरेटर इसमें कौन थे स्केच के फादर इट वॉज अ ब्राइट एंड कोल्ड डे द ग्राउंड वाज कवर्ड विद फ्रोजन स्लीट ये बहुत ही ब्राइट और कोल्ड डे थे बहुत सर्दियों का दिन था ये और जो ग्राउंड थी बाहर की जो ज़मीन थी वो बिल्कुल बर्फ की जो चादर बर्फ से बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बर्फ की चादर से वो ढकी हुई हो हाउ डिड द नरेटर फाइंड स्केच आफ्टर हिज वॉक जब वो वॉक से वापस आते हैं तो वो स्केच को कैसे पाते हैं आंसर sketched was exactly as the narrator had left him. he had high fever, he was very pale, but his cheeks was flushed by the fever. he continued to stare at the foot of the bed. स्केच बिल्कुल वैसा ही था जैसा नरेटर उसको वॉक पर जाने के पहले छोड़कर गए थे उसका फ़ीवर बहुत ज़्यादा था बहुत तेज फीवर था उसको और वो बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था लेकिन उसके जो चिक्स थे उसके जो गाल थे वो फ़ीवर की वजह से बिल्कुल फ्लश्ड हो रहे थे बिल्कुल लाल लाल हो गए थे उसको इतना हाई फ़ीवर था तो हाई फीवर में जैसे जो है हमारा चेहरा फेज जो होता है जब हाई फीवर होता है तो बहुत रेड रेड हो जाता है ना तो ऐसे ही जो उसके चिक्स थे वो जो है बिल्कुल फीवर की वजह से फ्लैश बिल्कुल लाल लाल से लग रहे थे और वो बराबर स्केस्ट जो है वो बराबर बैठ के पैर की तरफ देखे जा रहा था क्वेश्चन फाइव वाई डिड स्केस्ट थिंक दैट ही वॉज गोइंग टू डाई स्केस्ट को ऐसा क्यों लग रहा था कि वो मरने जा रहा है एंसर Scast thought he was going to die because his friends had told him that people do not survive a fever by 44 degrees, and he had a fever of a 102. He did not know that both these temperatures were measured according to two different thermometers, each with a different scale of measure. स्केच ने ऐसा सोचा कि वो मरने जा रहा है उसको ऐसा इसलिए लगा क्योंकि उसको उसके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने बताया था कि फ़ोर्टी फोर डिग्री टेम्परेचर पे जो है सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है आदमी ज़िंदा नहीं रह पाता है और उसको तो जो है, है वन हंड्रेड एंड टू फीवर था तो उसको लगा कि मेरे को तो इतना ज़्यादा तेज़ फीवर है तो मैं तो मतलब बिल्कुल भी नहीं अब ज़िंदा रह पाऊँगा तो लेकिन उसको ये नहीं पता था जैसे हाँ है ना ही डिड नॉट नो दैट बोथ दीज टेम्परेचर्स फॉर मेजर्ड अकॉर्डिंग टू टू डिफरेंट थर्मो मतलब वो ये नहीं जानता था कि ये जो अलग अलग डिग्री है लाइक फोर्टी फोर डिग्री और वन हंड्रेड टू ये अलग अलग थर्मोमीटर का अलग अलग मेज़र अलग अलग तरह से मेज़र किया जाता है वो उसको चूँकि नॉलेज की कमी होने की वजह से वो कन्फ्यूज़न में वो अपने आप को इतना ज़्यादा वो परेशान कर रहा था या इतना ज़्यादा वो परेशान हो रहा था सो so, स्टूडेंट्स हमारा बी सेक्शन आंसर दिस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है अब हम सेक्शन सी रीड दीज लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चंस में कंप्लीट करेंगे जो कि हमारा पहला सेंटेंस है ही सीम टू ऑल अबाउट इन्फ्लुएंजा तो इस सेंटेंस में जो पहला क्वेश्चन है वो है हु इज ही इसमें हमारा आंसर है ही इज द डॉक्टर तो इसमें जो ही प्रोनाउन यूज़ किया गया वो प्रोनाउन किसके लिए यूज़ किया गया है डॉक्टर के लिए क्वेश्चन टू वॉट डिड ही से उन्होंने क्या कहा आंसर ही सेड दैट स्कैच हैड ए हाई फ्लू There was nothing to worry about if the fever did not go above 104 degrees and there was no danger if he avoided pneumonia to अवॉयड निमोनिया तो इस्केस्ट को हा, बहुत हाई फीवर था डॉक्टर ने बताया कि स्केस्ट को बहुत हाई फीवर था और लेकिन परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं थी अगर वो उसका फीवर 104 डिग्री के ऊपर नहीं जाता है तो परेशान होने वाली जैसी कोई भी बात नहीं थी और अगर जो है उसको कोई भी खतरा नहीं है तब तक जब तक कि उसको निमोनिया नहीं होता है अगर निमोनिया हो जाता है तो थोड़ा सा डेंजर है सेंटेंस नंबर टू एट द हाउस दे सेट द बॉय हैड रिफ्यूज टू लेट एनी वन कम इन टू द रूम इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है वन डिड द नरेटर से दिस नरेटर ने ये कब कहा था द नरेटर दैट दिस आफ्टर ही रिटर्न होम फ्रॉम अ वॉक विद द डॉग क्वेश्चन बी वॉय डिड स्कैच रिफ्यूज टू लेट एनी रिफ्यूज में किसी को भी अंदर आने से क्यों मना किया था इस्के रिफ्यूज टू लेट एनी वन कम इन टू द रूम बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट दम टू कैच हिस् फीवर इस्केज ने किसी को भी रूम में इंट्री करने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके जो फीवर हुआ है वो किसी और के भी हो जाए या किसी और को भी फीवर वो पकड़ ले सेंटेंस नंबर थ्री आई एम टेकिंग इट इजी ही सेड एंड लुक स्ट्रेट अ इसमें हमारा पहला क्वेश्चन वॉट डज टेक इट इजी मीन टेक इट इजी का क्या मतलब होता है टेक इट इजी मीन्स टू रिलैक्स एंड नॉट वरी टेक इट इजी का मतलब होता है रिलैक्स होना या फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन